जंग हारता गया, भूखा प्यासा घूम रहा था जंगल में। तो अच्छे ना आप सब, तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम बताएंगे जवान मूवी की फुल रिव्यू करेंगे। भाई साहब हम सुबह गए थे मूवी देखने के लिए, लेकिन सीट एक भी नहीं खाली थे, इसलिए हमने घूमकर आ गया घर, और आने के बाद फिर भी गया रात पे। गाइस सर रात पे जाने के बाद पूरा फिल्म देखा, मुझे इतना अच्छा लगा, फुल मूवी रिव्यू करेंगे आज इस वीडियो के अंदर। जवान मूवी के अंदर दिखाया जा रहा है कि भाई इतना एक्शन किया, ये देश के लिए है भाई साहब, देश को आगे बढ़ाने के लिए फिल्म है। इस फिल्म में दिखाया जा रहा है ऐसा कि 5 रोल है, मतलब एक सीन में दिखाया जा रहा है बाप की रोल भी कर रहा है, बेटे की रोल भी कर रहा है, पुलिस वाले की रोल कर रहा है, बहुत सारे लुक है भाई साहब। आप देखेंगे फिल्म के अंदर इतना अच्छा, इतना जबरदस्त, बहुत बढ़िया लगा मुझे। मतलब देश को, देश के ही लिए, मतलब आपने देश के ही कुछ ऐसी नागरिक होता है, मतलब देश को बेचने के लिए किसी के पास बेच देता है अपने देश को, पूरा जो भी इन्फॉर्मेशन है सब कुछ बता देता है अपने देश को, देश के साथ गद्दारी करके। लेकिन एस आर के को ये जवान फिल्म अपने पूरे फैमिली के साथ देख सकते हो, बहुत ही एंटरटेनमेंट है भाई साहब। ये फिल्म में दिखाया जा रहा है कि बहुत सारे मतलब आतंकवादी मतलब पूरा ट्रेन को हाईजैक कर लेता है, उसके बाद एसआर के आता है, सब कुछ तोड़फोड़ देता है, जब उसके बेटे को मारता है तब बाप आता है, तो मुझे बहुत बढ़िया लगा। मतलब एसआर के फैन मतलब क्या बताएंगे, पठान में तो कमाया था लेकिन इसमें कमाएगा बहुत, मतलब पब्लिक का इतना भीड़ था मैं क्या बताऊँ भाई साहब, मेरा होश उड़ गया था। मैं रोज मतलब मैं सो जाता हूँ 10 बजे, लेकिन आज ये फिल्म देखकर मैं आया हूँ 1 बजे, मतलब समझ सकता हूँ कितना एंटरटेनमेंट हुआ। लेकिन इस फिल्म के अंदर दिखाया जा रहा है इतना एंटरटेनमेंट कैसे किया, मतलब ये सर के कि बैस बढ़ रहा है या गड़ रहा है कुछ पता नहीं, लेकिन ये डायलॉग मुझे बहुत बढ़िया लगा। इस फिल्म के अंदर जो डायलॉग थे ना सिद्धू पति की, मतलब ये सर के की, तो मुझे डायलॉग वाला बहुत अच्छा लगा। ये पूरा फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा, ये सर के की पूरा फिल्म मतलब जवान मूवी पूरा देखेंगे तो पता चलेगा, मतलब रिव्यू से कुछ नहीं काम चलता, अब अगर फिल्म देखने जाएंगे तब आपको बहुत एंटरटेन लगेगा। मैं रिव्यू करके मतलब ये फिल्म के बारे में बताकर कितना बताऊंगा। पूरी फिल्म में मुझे 3 डायलॉग सबसे बढ़िया लगा। नंबर 1 ये है भाई साहब, मैं विलन बनता हूं ना, विलन, माय नेम इज काली, आई एम द 4th लार्जेस्ट वेपन डीलर इन द वर्ल्ड। जवान मूवी में मुझे 2 नंबर डायलॉग ये बढ़िया लगा, जवान अपने जान 1000 बार दांव पर लगा सकते हैं, लेकिन देश के लिए, देश बेचने वालों के लिए नहीं, ये वाला डायलॉग मुझे बहुत बढ़िया लगा। आप अगर एसआरके की मुंह से सुनेंगे तो मुझसे बढ़िया लगेंगे, तो पहले आप इस वाले डायलॉग को पहले सुन लीजिए, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इस पूरी फिल्म के बारे में। तो पहले सुन लीजिए उसके मुंह से भाई साहब, हम जवान हैं, अपनी जान 1000 बार दांव पर लगा सकते हैं, लेकिन सिर्फ देश के लिए, तुम्हारे जैसे देश बेचने वालों के लिए हरगिज नहीं। इस फिल्म की 3 नंबर डायलॉग जो वायरल हो चुके हैं पहले ही, तो आपको पता चल चुका कौन सा डायलॉग है, बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। तो गाइस इस फिल्म की पूरा जानकारी आपको कैसा लगा, इस वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को बजाकर नोटिफिकेशन को ऑल कर देना, ताकि हमारा ऐसी वीडियो पाने के लिए। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक अच्छे रहे, बाय बाय।